हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। मैं आपके साथ कितने दिनों से कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलिए आज की रेसिपी देखने के लिए। हाँ, मैं कढ़ाई पनीर बनाने के पहले हम बना लेते हैं मसाला। कढ़ाई पनीर के लिए जो मसाला चाहिए हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आई है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन गरम करके हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंठ, 10-12 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 3-4 लौंग डालकर हम उसको मीडियम आंच पर थोड़ी देर भून लेते हैं। धनिया और जीरा अच्छी तरह भूनने के बाद हमको एक फ्लेवर आएगा, उसका कलर भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारी मसाला का कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं उसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब एक पैन में ऑयल डालकर हम उसमें डाल दूँगी 1 बड़ी सी कटी हुई प्याज। प्याज को हम यहाँ पर थोड़ी देर भून लेते हैं, ज़्यादा उसको कलर चेंज करने नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई 1 टमाटर। मैं थोड़ी सी, अब मुझे जितनी मसाला चाहिए इसी अनुसार मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पर कटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डालकर हम उसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम उसमें डाल देंगे काजू 10-12 काजू और 2 चम्मच मगज डालकर हम उसको भून लेते हैं। उसको ढक्कन लगाकर टमाटर सॉफ्ट होने तक हम उसको पका लेते हैं। अब हम उसमें ढक्कन लगा लीजिए, लगाकर हम उसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे पनीर को मैरिनेट करने के लिए। पनीर में मैं डाल दिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। हम पनीर में थोड़ी सी मैरिनेट करने से हमारी पनीर फीका नहीं लगेगा, इसी वजह से हम उसको थोड़ी देर मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। अब आ जाएंगे मसाला की तरफ। हम जो मसाला को भून कर रखे थे उसको एक दरदरा पीस पाउडर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल दरदरा पाउडर मैं बना लिया, बिल्कुल प्लेन स्मूथ पाउडर हम नहीं बनाएंगे। हमारी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर पैन के ऊपर हमारी टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। मैं बीच बीच में इसको मिक्स कर किया था। देखिए अब हम उसको क्या करें, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में 1 चम्मच ऑयल डालकर सारी पनीर को हल्का हल्का सेक लेते हैं दोनों साइड। बिल्कुल मीडियम आंच पर हम सारी पनीर को दोनों साइड थोड़ी सी कलर चेंज होने तक हम उसको सेक लेंगे। अब देखिए हमारी पनीर अच्छी तरह सेक चुका है। मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। आप लोग पनीर को डीप फ्राई मत कीजिए, या इसी तरह सेक कर हम निकाल लेंगे। मेरे पास और थोड़ी सी पनीर बची है तो मैं दोबारा भी इसी तरह सेक कर उसको निकाल लूँगी। अब इसी पैन में मैं और डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को गरम करके हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम और प्याज। प्याज को थोड़ी सी बड़े बड़े साइज में काट लीजिए। कैप्सिकम और प्याज को हम थोड़ी देर भूनकर निकाल लेंगे, हम उसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़ी देर यानी 1 मिनट के लिए हम उसको थोड़ी देर में चला लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैप्सिकम और प्याज हमारा पन भून चुका है तो हम उसको निकाल कर अब आ जाएंगे ग्रेवी की तरफ। मैं और एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ी सी कम गर्म है, इसी टाइम में डाल दूँगी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसको डालकर मैं थोड़ी देर उसको भून लेते हैं। बिल्कुल लो आंच पर गैस को कर लीजिए लो। अब इसमें डाल देंगे हम जो भुना हुआ मसाला का पेस्ट बनाए थे, उसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इस मसाला को हम ज़्यादा समय तक नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारी मसाला पहले से पक चुका है। अब देखिए मिक्स करने के बाद हम अब उसमें डाल देंगे हम जो कैप्सिकम और प्याज को भून कर रखे थे उसको डालकर भी मसाला के साथ भून लेते हैं।
प्याज और कैप्सिकम अच्छी तरह मिलजुल चुका है। तो अब जो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिक्सचर ग्राइंडर को धोकर पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला लग गया था, इसी वजह से मैंने डाल दिया। और डालने के बाद हम उसको भी थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। मसाला के साथ प्याज और कैप्सिकम अच्छी तरह मिक्स करके हम धीरे धीरे उसको पकाएंगे। यहाँ पर हम जो मसाला बनाए थे उसमें हम 3-4 चम्मच अच्छी मसाला डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल सुंदर दिख रहा है। उसके बाद हम उसको ढक्कन लगाकर 1 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी मसाला अच्छी तरह मिलजुल चुका है। तो अब इसमें हम फिर से ढक्कन लगाकर थोड़ी देर और पका लेते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मलाई। दूध से मैं निकाली थी आज फ्रेश मलाई, उसको भी फेंट कर डाल दिया और उसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसमें ढक्कन लगाकर और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा, देखिए मैं ढक्कन निकाल कर उसके स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। हम नमक भी पहले डाल दिए थे मसाला भुनने के टाइम। अब फिर से ढक्कन लगाकर हम उसको छोड़ देते हैं। देखिए हमारी ऑयल भी निकल चुका है, यानी रिलीज हो चुका है मसाला से। तब हम उसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया, गर्म पानी। यहाँ पर ठंडा पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दीजिए। गुनगुना पानी डालकर मैं उसको ढक्कन लगा लेती हूँ बॉयल आने के लिए। यहाँ पर देखिए बॉयल भी आ चुका है, हमारी ऑयल भी निकल, यानी कुरमा जैसी ऑयल भी दिख रहा है। तो इसी टाइम हम डाल देंगे पनीर। पनीर को डालकर हम उसको मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगाकर हम उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 2-3 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाली थी, मेरी वीडियो स्किप हो गई। प्लीज़ आप लोग भी कस्तूरी मेथी थोड़ी सी भून कर डाल दीजिए, और नहीं तो ऐसे भी डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी कैप्सिकम और पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं तो गैस को बंद कर लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद देखिए मेरी कढ़ाई पनीर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करने के लिए मत भूलना। बिल्कुल टेस्टी बना था, डिलीशियस बना था, और जैसे रेस्टोरेंट टाइप भी बना था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी बनाने कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे घर में आसपास में जो मसाला है उसको लेकर मैं बना लिया। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।